तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम प्रभु अपने भक्तों के वश में रहते हैं। वे अपने भक्तों के दुख दूर करने हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कहलाते हैं। लेकिन लगता है कि भगवान राम इन दिनों विश्राम कर रहे हैं, तो उन्हें जगाना चाहिए क्योंकि उनका कार्य अभी बाकी है। जनकपुरी में सीता स्वयंवर भीर लगल बलवान के तिल भर ही लेना अटल धनुहिया शिव जी के वरदान के। जनकपुरी में सीता स्वयंवर भीर लगल बलवान के तिल भर ही लेना अटल धनुहिया शिव जी के वरदान के। उठा उठा राम जी बहुत हो काम जी, उठा उठा राम जी बहुत हो काम जी, जाके धनुहिया तोड़ी हाथू तोड़ी हाथू तोड़ी हाथू। निंदिया में श्री राम जाके उनका जगई हाथू, निंदिया में श्री राम जाके उनका जगई हाथू। करण पत्थर बन गईले मुनि अहिल्या नारी जी, आस लगल तोहरे चरणन की जुग से परल बिचारी जी। साप करण पत्थर बन गईले मुनि अहिल्या नारी जी, आस लगल तोहरे चरणन की जुग से परल बिचारी जी। उठा उठा राम जी बहुत हो काम जी, उठा उठा राम जी बहुत हो काम जी, जाके अहिल्या के तारी हाथू तारी हाथू तारी हाथू। बिंदिया में श्री राम जाके उनका जगई हाथू, बिंदिया में श्री राम जाके उनका जगई हाथू। जात पात के भेद मिटई हा सिवरी के जूठा बेर खाई के, प्रेम संधि सवा सगरे भिजी हा केवट से गोर धोलवाई के। जात पात के भेद मिटई हा
सेवरी के जूठा बेर खाए के प्रेम संधि सवा सागर ही भिजिहा के वट से गोल धुलवाए के उठा उठा राम जी बहुत हो काम जी उठा उठा राम जी बहुत हो काम जी रावण के जाके मारी हाथ तू मारी हाथ तू मारी हाथ तू निंदिया में श्री राम जाके उनका जगई हाथू निंदिया में श्री राम जाके उनका जगई हाथू। अब देखिए ना, रामचरण का स्पर्श पाकर पत्थर नारी तो बन गया, लेकिन स्वयं राम धर्म संकट में पड़ गए, क्योंकि केवट बिना उनका पांव धोए उनको नाव पर चढ़ाने को तैयार नहीं है। वो हट कर बैठा है। वो समझता है कि राम प्रभु जिस वस्तु पर अपना पांव रख देते हैं वो स्त्री बन जाता है, लेकिन वास्तव में केवट अति बुद्धिमान एवं ज्ञानी है। वो इसी बहाने श्री राम जी के चरणों को छूना चाहता है, जो देवताओं मनुष्यों तथा ऋषि मुनियों के लिए भी ये दुर्लभ है। पहले पैया छुए तो नैवेदी ए रघुरैया पहले पैया धोवे तो नैवेदी तीर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी तीर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी ए रघुरैया पहले पैया छुए तो नैवेदी रघुरैया पहले पैया धोवे तो नैवेदी फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी। पहले से ही हमरे अंगने में प्रभु जी एक नारी उचित न होवे तू जातिया घर में रखे संसारी हाँ हाँ पहले से ही हमरे अंगने में प्रभु जी एक नारी उचित न होवे तू जातिया घर में रखे संसारी हे रघुरैया रघुरैया पहले पैया छुवे तो नैवेदी हे रघुरैया पहले पैया धोवे तो नैवेदी फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी। पत्थर भी पार न पावे हमरी काठ की नैया चरण पड़त घर नी हो जाई कृपा करो रघुरैया हो जब पत्थर भी पार न पावे हमरी काठ की नैया चरण पड़त घर नी हो जाई कृपा करो रघुरैया हे रघुरैया रघुरैया पहले पैया छुए तो नैवेदी हे रघुरैया पहले पैया धोवे तो नैवेदी फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो नैवेदी।
का हम ना ले वो गंगा पार करैया, तू भी नाविक भव सागर के फिर कैसा उतरैया। हाँ स्वर्ण मुद्र का हम ना ले वो गंगा पार करैया, तू भी नाविक भव सागर के फिर कैसा उतरैया। हे रघुरैया राम चरण में हमरे मथवा टेके तो लेवे दी, राम चरण में प्रेम के लोरवा गिरे तो लेवे दी। फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख लेवे दी, फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख लेवे दी, फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख लेवे दी। हे रघुरैया पहले पैया छुवे तो लेवे दी, रघुरैया पहले पैया धोवे तो ले वेदी। फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो ले वेदी, फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो ले वेदी, फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो ले वेदी, फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो ले वेदी, फिर चढ़ैबो तोरा नैया पहले परख तो ले वेदी। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय बहनों एवं भाइयों, प्रस्तुत भजन अन्य भजन मालाओं से जरा हटकर है, क्योंकि इसके माध्यम से समाज में फैली विषमताओं के निवारण हेतु भगवान राम एवं हनुमान से विशेष रूप से आग्रह किया गया है, जो आज के परिवेश में ये मांग बिल्कुल उचित है। तो प्रस्तुत है गीत हनुमान जी के नाम, क्योंकि कहा भी गया है कि हनुमान जी के भजन करने पर राम लला अति प्रसन्न होते हैं। हनुमत भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हनुमान तोरे भजनिया गावे हिंदुस्तान, जय जय हनुमान तोरे भजनिया गावे हिंदुस्तान। घर घर में हनुमान चालीसा, घर घर में हनुमान चालीसा, भारत देश महान। जय जय हनुमान तोरे भजनिया गावे, जन तोहरे ध्यान लगावे मिटे ताप मन अति सुख पावे, जो जन तोहरे ध्यान लगावे मिटे ताप मन अति सुख पावे। मंगल शनि दरस जो जावे, मंगल शनि दरस जो जावे, महावीर स्थान। जय जय हनुमान तोरे भजनिया गावे हिंदुस्तान, जय जय हनुमान तोरे भजनिया गावे हिंदुस्तान, जय जय हनुमान तोरे भजनिया गावे हिंदुस्तान। अंतरिक्ष के तू ही दाता, सभी ग्रहों के तू ही विधाता। अंतरिक्ष के तू ही दाता, सभी ग्रहों के तू ही विधाता।
लंका में जाके डंका बजाया, लंका में जाके डंका बजाया, तुलसी करे बखान जाए, हनुमान तोरे भजनिया गावे करहूँ हनुमत बलवाना, इस युग के तू ही भगवाना, दया करहूँ हनुमत बलवाना, इस युग के तू ही भगवाना, ऐ दिल मांगे मोर पवन सुत, ऐ दिल मांगे मोर पवन सुत, देहु अचूक वरदान जाए, जय हनुमान तोरे भजनिया गावे घर घर में हनुमान चालीसा, घर घर में हनुमान चालीसा, भारत देश महान जाए, जय हनुमान तोरे भजनिया गावे कहते हैं माता कैकेयी के कारण ही रामचरितमानस का उदय हुआ, जिसे पढ़कर सुनकर हम लोग आनंदित होते हैं, वरना इस परम सुख से हम लोग वंचित रह जाते। इस प्रकार रामचरितमानस में माता कैकेयी का स्थान सर्वोपरि है। तो बोलिए माता कैकेयी की जय। कसमी सी, हम उकरा न लौती नहीं हरवी
जनती जुहाम जनती भरत मोरा रोई है बियो गवीसी जुहाम जनती भरत मोरा रोई है बियो गवीसी हम वर नाही मंगती कसमीसी हम वर नाही मंगती कसमीसी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम प्रभु अपने भक्तों के वश में रहते हैं। वे अपने भक्तों के दुख दूर करने हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं।